प्रत्येक माह में शिवरात्रि का व्रत किया जाता है, किंतु माघ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को महाशिवरात्रि का महापर्व मनाया जाता है। शिव और शक्ति के मिलन का यह शुभ दिन सनातन समाज पूरे मनोवेग से मनाता है। भगवान शिव माता पार्वती की प्रसन्नता के लिए नाना प्रकार के उपाय किए जाते हैं। सनातन बंधुओं, 8 मार्च शुभ दिन शुक्रवार को सैकड़ों वर्षों के बाद त्रिकोण दुर्लभ योग सनातन समाज के लिए एक वरदान के रूप में मिल रहा है, जो अत्यंत महत्वपूर्ण है। वर्तमान में मकर राशि में मंगल और चंद्रमा की युति चंद्र मंगल का योग बना रही है, तो वहीं कुंभ राशि में सूर्य शनि और शुक्र का संयोग भी मिल रहा है। मीन राशि में राहु और बुध की युति, ये 3 दुर्लभ योग सनातन समाज के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। शुक्रवार का दिन जो भगवती लक्ष्मी की प्रसन्नता के लिए माना गया है, भगवान शिव की उपासना करते समय शिवरात्रि को अपने अभीष्ट की सिद्धि के लिए मधु से अभिषेक करें, धन की प्राप्ति के लिए गन्ने के रस से अभिषेक करें, और यदि पति पत्नी एक साथ बिल्लू पत्र पर जो कहीं से कटा और फटा ना हो उस पर राम नाम लिखकर शिव जी को अर्पित करें, तो इससे दाम्पत्य जीवन में आ रही परेशानियों से मुक्ति मिलेगी और दाम्पत्य जीवन में माधुर्य सौहार्द प्रेम भी बढ़ेगा। यह शिवरात्रि एक ऐसे संयोग मनाई जा रही है जो कल्पना से परे है। संपूर्ण सनातन समाज के लिए यह शिवरात्रि अत्यंत शुभदायी और मंगलकारी हो, हम ऐसी कामना करते हैं।